भिलाई 3 की कन्याशाला में नगर निगम भिलाई चरोदा के महापौर निर्मल कोसरे स्कूल परिसर में निर्माण होने वाले स्मार्ट टॉयलेट कार्य का भूमि पूजन किया। इस मौके पर स्कूल के प्राचार्य सहित छात्र छात्राएं शामिल रहे। भिलाई 3 के शासकीय कन्या उच्चतर माध्यमिक शाला में मॉडल टॉयलेट निर्माण की सौगात निगम महापौर ने दी है। भिलाई चरोदा में जन भावना के अनुरूप विकास कार्यों को साकार किया जा रहा है। महापौर निर्मल कोसरे ने शासकीय कन्या उच्चतर माध्यमिक शाला भिलाई 3 में मॉडल टॉयलेट निर्माण के लिए भूमि पूजन कर कार्य प्रारंभ करवाया। साथ ही कन्या शाला में 6 लाख रुपए की लागत से मॉडल टॉयलेट बनाया जाएगा। इसे लेकर महापौर और शाला की प्राचार्या ने अपनी प्रतिक्रिया दी है। माननीय मुख्यमंत्री जी की अभिनव पहल रही है कि जितने भी हमारे स्कूल हैं, सरकारी स्कूल को एक अच्छा हम लोग बनाए ताकि हमारे यहाँ के पढ़ने वाले बच्चों को अच्छा माहौल मिल सके। उसी कड़ी में आज यहाँ पर मॉडल टॉयलेट का हम लोग निर्माण करने के लिए नींव रखे हैं। मॉडल टॉयलेट का जो स्वरूप है, जैसे एयरपोर्ट में और बड़े बड़े शहरों में, महानगरों में, विभिन्न मालों में जिस तरह से टॉयलेट का निर्माण होता है, उसी तरीके से हमारे नगर निगम क्षेत्र में मैंने अभी 8 स्कूलों में मॉडल टॉयलेट की शुरुआत की है। उसी कड़ी में कन्याशाला भिलाई 3 में भी हम लोग मॉडल टॉयलेट की यहाँ पर शुरुआत कर रहे हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी ने जब अपना कल शिक्षक दिवस समारोह में वक्तव्य दिया, उसमें भिलाई 3 का नाम का भी उन्होंने जिक्र किया, और इसी कड़ी में हम लोग मॉडल टॉयलेट का निर्माण कर रहे हैं। स्कूल में और भी जो भी मूलभूत सुविधाओं की आवश्यकता होगी, बच्चों को अच्छा हम लोग वातावरण बना सके, इसके लिए मैं सदैव प्रयासरत रहूंगा। और मेरे नगर निगम क्षेत्र के न केवल भिलाई 3 का स्कूल, अभी तो पूरे 34 स्कूल, पूरे छत्तीसगढ़ नहीं, पूरे देश में मॉडल बने, ये मेरा प्रयास होगा। आज हमारे स्कूल में मॉडल टॉयलेट का भूमि पूजन हुआ, और इसके लिए हम सर को बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। CM सर का भी धन्यवाद है, और ये बहुत बच्चों की एक आवश्यकता थी जो मुख्यमंत्री जतन योजना के तहत पूर्ण होती है। इसलिए मैं दोनों को, महापौर सर को और मुख्यमंत्री सर को, बहुत बहुत धन्यवाद। इस मौके पर स्थानीय जनप्रतिनिधि, निगम के अधिकारियों सहित स्कूल की छात्राएं शामिल रही। ग्रैंड एशियन न्यूज के लिए शैलेंद्र खरे की रिपोर्ट।